स्वागत है आपका मायापुरी कट पर। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और आप देख रहे हैं मायापुरी रीजनल, जहां पर हम आप तक सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पंजाबी, साउथ और भोजपुरी सिनेमा यानी कि पूरी इंडियन सिनेमा की सारी अपडेट्स पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। कन्नड़ा फिल्म स्टार और निर्देशक ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतरा ने बीते साल खूब धमाल मचाया। इस फिल्म ने हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा दर्शकों के बीच सनसनी फैला दी थी। अब खबर है कि कांतरा 2 में साउथ सिनेमा के दुनिया के ही सबसे बड़े सितारे की एंट्री होने वाली है। सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो सुपरस्टार रजनीकांत कांतरा 2 का हिस्सा बनने वाले हैं। इस बात को लेकर काफी दिनों से बस बन रहा है। दरअसल ऋषभ शेट्टी खुद थलाइवा के सबसे बड़े फैन है। कांतरा ब्लॉकबस्टर होने के बाद कन्नड़ा फिल्म स्टार और निर्देशक ऋषभ शेट्टी ने थलाइवा से मुलाकात भी की थी। इसके बाद से ही ऐसी चर्चाएं आम हैं। न किसिंग सीन और ना ही बोल्ड अदाएं, सिंपल पारिवारिक कहानी और फैमिली ड्रामा। अगर बॉलीवुड की किसी फिल्म में ये सब है तो यकीन मानिए उसे सूरज बड़जात्या ने ही डायरेक्ट किया होगा। आज डायरेक्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने करियर में सूरज बड़जात्या ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं जो आप अपनी फुल फैमिली के साथ एंजॉय कर पाते हैं। आज उनके बर्थडे पर उन्हें इंडस्ट्री के तमाम दोस्त और फैंस बहुत सारी बधाइयां और ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। आदित्य रॉय कपूर इन दोनों अपनी वेब सीरीज द नाइट मैनेजर को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में द नाइट मैनेजर के प्रीमियर से लौट रहे आदित्य रॉय कपूर के साथ कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा का विषय बन गया था। एक महिला फैन उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए उनके करीब आ गई थी। अब इसके बारे में एक्टर ने खुद बात की है। आदित्य ने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैं इससे ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। ये कुछ ऐसा था जिसे मुझे उस समय संभालना था। वो काफी स्ट्रांग थी इसलिए मुझे इसे संभालना पड़ा, लेकिन मैं इसे समझ सकता हूँ। मैं इसे उस नज़र से नहीं देख रहा जहाँ मैं इसकी आलोचना करूँगा या इसे गलत कहूँगा। साउथ से एक बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। कॉमेडियन और टीवी होस्ट सुबी सुरेश का निधन हो गया है। वो 41 ईयर्स की थी। रिपोर्टेडली वो लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रही थी। उन्होंने आज सुबह कोची के प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली हैं। सुबी सुरेश ने अपने करियर की शुरुआत एक मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में की थी, जिसके बाद वो एक हाउसहोल्ड नेम बन गई थी और बाद में उन्होंने कुछ मलयालम फिल्मों में भी काम किया था। एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने रिसेंटली पंजाबी सिनेमा में अपना डेब्यू किया है जो कि काफी सक्सेसफुल रहा। अब क्या बॉलीवुड के बाद जैस्मिन बॉलीवुड जाना चाहती है? इस सवाल के जवाब में एक्ट्रेस ने क्या कहा, चलिए वो आपको बताती हूँ। जैस्मिन ने कहा कि इस वक्त वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि वो बॉलीवुड में भी डेब्यू करना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि फर्स्ट हमेशा स्पेशल होते हैं इसलिए वो चाहती हैं कि उनकी फर्स्ट फिल्म बहुत बड़ी हो। पंजाबी एक्ट्रेस सरगुन मेहता अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इस साल उनकी बहुत सारी न्यू फिल्में लाइंड अप हैं, लेकिन इस वक्त उनकी चर्चा उनकी एक वीडियो की वजह से हो रही है। सरगुन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस फैंस को अपने गाने का हुक स्टेप करना सिखा रही हैं। सरगुन का ये डांस ट्यूटोरियल अब फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है और उनकी इस वीडियो पर काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शंस आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव इन दोनों अपकमिंग फिल्म संघर्ष 2 को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। वो हर तरफ फिल्म को जमकर प्रमोट कर रहे हैं। संघर्ष 2 भोजपुरी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होने वाली है। ऐसे में अपनी इस फिल्म का जोरों शोरों से प्रमोशन करते खेसारी लाल यादव को भी जनता का बेशुमार प्यार मिल रहा है। संघर्ष 2 में खेसारी लाल यादव का नायाब लुक फैंस को बहुत पसंद आया है। अपने रीसेंट इंटरव्यू में खेसारी ने बताया कि कैसे लोग उन्हें सलमान खान से कंपेयर कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव का शर्टलेस अंदाज देखने के बाद फैंस उन्हें भोजपुरी जगत का सलमान खान बुला रहे हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती हैं। अपनी फिल्मों और गानों के साथ साथ एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं। वहीं अभी रिसेंटली एक्ट्रेस ने अपनी न्यू सेट ऑफ पिक्चर्स शेयर की हैं जो कि इंस्टाग्राम पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। शेयर की हुई पिक्चर्स में अक्षरा ब्लश पिंक कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं, जिसके साथ उन्होंने बड़ी ही खूबसूरत सी डायमंड की ज्वेलरी भी पहनी हुई है। आज मायापुरी रीजनल में बस इतना ही। आगे के सिनेमा से जुड़ी हर अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।